हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। जो क्वेश्चन रीजनिंग के प्रीवियस ईयर DRDO MTS या फिर रेलवे ग्रुप डी या NTPC या SSC CHSL में पूछे गए हैं। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं और फुल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। रीजनिंग एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। अगर जिसकी मैथ अच्छी होती है उसे रीजनिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड किए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इससे पहले मैं 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो जाके विजिट कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इसमें कहा गया है कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी लड़की के बाद दो लड़के हैं, इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। आपने बताना है कि 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के खड़े हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। देखिएगा, उसने कहा है पहली ये लड़की है यानी कि गर्ल है, इसके बाद एक लड़का और दूसरी गर्ल के बाद दो लड़के, यानी कि तीसरी गर्ल के बाद तीन लड़के होंगे। तीसरी गर्ल बना देते हैं, यहाँ पर तीन लड़के हो गए और चौथी गर्ल के बाद हो जाएंगे 4 लड़के। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने का मतलब, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 5वें स्थान पे पांचवा यहाँ से गिन लेते हैं लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ है 5वां नंबर। ठीक है, अब यहाँ से 17वें स्थान के मध्य बताने हैं आपने। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नौ, यहाँ से 17वां स्थान। देखिए, यहाँ से गिनिएगा 17वां स्थान कौन सा आता है। स्टार्टिंग से गिनेंगे 17वां स्थान कहाँ पर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पे एक और गर्ल होगी और यहाँ पर लड़के होंगे 5। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। ये तो गर्ल है, ये नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 17वां यहाँ पर हो गए। देखिए, यहाँ से गिनिएगा कितने हो गए सारे। 17 और 5वें स्थान के बीच में बताना है आपने। स्टार्टिंग से गिनिएगा, देखिए लेफ्ट साइड से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी कि यहाँ पर 17, यानी कि 17 यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि एक बचेगा यहाँ पर। और अब गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लड़के हैं 5वें और 17वें स्थान के मध्य। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, यदि FIRE को कोट किया गया है 69185 में, तो ये वाला कोड, देखिए दो कोड किए गए हैं, इसका कोडिंग किया गया है इससे और इसका कोडिंग किया गया है इससे। अब बताइएगा कि रेन का कोड क्या होगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर, अगर आर इसमें है, आर इसमें है, तो एट एट इसमें आ रहा है, यानी कि आर 18वें नंबर पर है इसमें, तो 101% आर 18वें नंबर पर ही इसमें होगा। 18वें नंबर पर तो सारे हैं, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। यानी कि ए देखेंगे, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें 18 के बाद फर्स्ट नहीं है, ये भी कट जाएगा। यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा। देखिएगा, आई देखेंगे, आई 9 पे है, यानी कि इसमें नहीं है आई, यानी एक के बाद 6 है और एक के बाद इसमें 9 है, यानी कि 9, आई 9 पर आता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे आप मेरे कहने का मतलब कि मैंने कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कह नहीं सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन बन सकता है और कितना टफ। बहुत इजी भी बन सकता है और बहुत टफ। आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में 30 नंबर की रीजनिंग होती है, जिसमें से 20 या 25 क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं बहुत ही इजी। 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत हाई लेवल के पूछे जाते हैं, जो हमसे नहीं बन पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको भी बनाएंगे। प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करोगे तो फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। देखिए, क्यून, स्पेड, स्क्वायर और डायमंड में आपने भिन्न बताना है, तो हमको दिखाई दे रहा है ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। स्क्वायर यानी कि किसी नंबर का होता है स्क्वायर,
तो स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है, क्या संबंध निकलता है इनका। इसमें कहा गया है यदि पी क्यू के बेटे का भाई है तो पी का क्यू से क्या संबंध होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और हम इस क्वेश्चन को सही से करेंगे। यानी पी ये पी क्यू के बेटे का भाई है, यानी क्यू के बेटे का ये कोई बेटे का हो गया, यहाँ भाई है, ठीक है। ये देखो पी क्यू के बेटे का भाई है, यानी कि यहाँ पर अगर पी हम माने तो इसका बेटा ये हो जाएगा, यानी कि सन इसके बेटे का भाई हो जाएगा। इसके एक बेटा ये है पी और एक बेटा ये, यानी दो बेटे होंगे इसके बेटे का, चलो एक ही बेटा होगा क्योंकि बेटे का भाई है, ठीक है। यानी कि पी ये है और इसके बेटा ये है और इसका बेटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन देखते हैं जनरेशन में, इसकी तीसरी जनरेशन है ये। तो इसमें कहा गया है तो पी का संबंध क्यू से क्या होगा, यानी ये इसका या तो पोता होगा या नाती होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, पोता या नाती, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर देंगे और बनाइएगा। कथन और निष्कर्ष से ये सवाल है। इसमें कहा गया है कोई शिक्षा गायिका नहीं कर, कोई शिक्षक है जो गायन नहीं कर सकती है, यानी कि शिक्षक शिक्षिका है वो गायन नहीं कर सकती है। ये शिक्षिका हो गई, ये गायन हो गया, जिसे प्रदर्शित कर दिया है मैंने इसको। और इसमें अगली लाइन में कहा गया है कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। दोस्तों कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये नृत्य हो गया, यहाँ पे कुछ कर सकती हैं, यहाँ पे नृत्य लिख देते हैं। डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसमें कहा गया है कि सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, सभी कथन में नहीं कहा गया है। देखिए यहाँ से हमने कुछ लिया है तो यानी कि पहला कंसीडर नहीं करेगा। और दूसरे की बात करेंगे कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, यानी कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कंसीडर कर रहा है कुछ। देखिए अब अगर डायग्राम में भी देखोगे तो कुछ तो कर सकती है ना, कुछ वाला पार्ट गोला आ रहा है इसके अंदर, तो यानी कि दो कंसीडर करेगा, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है, ठीक है। चलिए बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है यदि प्लस को हम भाग कहेंगे और माइनस को हम गुणा समझा जाएगा तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लोगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है, कि इतना इजी क्वेश्चन भी उस टाइम पर बना था। अब कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ हो गया है तो जाहिर सी बात है इतना इजी क्वेश्चन अब नहीं बनेगा। यानी कि हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व अगर नहीं कर पा रहे हैं तो RRB NTPC जो अब होने वाला एग्ज़ाम उसे देने जाना ही बेकार है। चलिए देखिएगा प्लस की जगह भाग ले रखेंगे यहाँ और यहाँ से इसे, और देखिए 8 आ गया, प्लस बोला है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड यानी नीचे लिख देते हैं इसको 6 को, और यह माइनस की जगह माइनस है यानी कि मल्टीप्लाई बोला है तो 3 लिखेंगे, 3 से ये 6 2 टाइम जाएगा और 2 से ये जाएगा 4 टाइम, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि इसमें कौन सा चिन्ह भरें ताकि हमको 27 प्राप्त हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240, यानी कि 240 बन रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं बनेगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या दूसरा बन सकता है। चलिए बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से बहुत जल्दी क्लिक हो जाते हैं। यानी पहले डिवाइड करेंगे 72 का, अगर डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9 9 3 27 होता है, बिल्कुल होता है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपने कर लिया होगा सभी ने, मुझे इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए ऐड किया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। स्कूल से प्रिंसिपल बनता है और कोर्ट से क्या बनेगा। देखिए जो स्टूडेंट्स नहीं समझते इस बात को, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। स्कूल से रिलेटेड है प्रिंसिपल, यानी स्कूल का जो हेड मास्टर होता है सबसे बड़े, वो प्रिंसिपल होते हैं। तो कोर्ट में सबसे बड़ा पद किसका होता है,
चलिए, कोर्ट में सबसे बड़ा पद वकील का नहीं होता है, न्यायाधीश का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं कहा है क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की संख्या की आधी है, अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष अधिकतम हैं। बताइए पुरुष अधिकतम कितने हैं अभिनय के क्षेत्र में। चलिए करिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं फिर जानते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं आदि होंगी। केवल अभिनय के क्षेत्र में जो हैं पुरुष हैं, और किसी भी क्षेत्र इसमें महिलाएं नहीं हैं, यानी कि इन दो वाले दो जो क्षेत्र है इसमें महिलाएं हैं वो भी आदि, यानी कि 180 और 248 को अगर हम प्लस कर लेंगे और उनका हाफ कर देंगे तो हमको आंसर मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 8 और 8 को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा और एक कैरी बचेगा, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा और 4, यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 बार जाएगा और ये 2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 232। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन वही है दोस्तों, एनटीपीसी में ये बिल्कुल 3 क्वेश्चन बने थे, एक क्वेश्चन बहुत ईजी था इसीलिए मैंने नहीं कराया। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऊपर जो बात पहले क्वेश्चन में लिखी थी वही लिखी हुई है, नीचे क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। इसमें कहा गया है पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, बताइए किस राज्य में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया होगा। देखिए अब इनको सबको ऐड करेंगे, जिसमें ज़्यादा पुरुष होंगे वही राज्य की संख्या सबसे ज़्यादा होगी पुरुषों की, तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो सीरीज चल रही है, यानी कि डी से एफ हुआ है, 2+ हुआ है, डी 4 पर आता है, ये 6 पर आता है, और एच 8 पर आता है, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 10 पे आती होगी। 10 पे आता है जे, यानी कि जे इसमें है और जे इसमें, यानी कि दो सी और डी तो कट हो गए। अब देखिए ये क्यू 17 पे आता है, ये 19 पे आता है और ये 21 पे आता है, यानी कि 23 पर जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। 23 पे आता है डब्लू, और डब्लू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ब्लड रिलेशन से एक और क्वेश्चन आ गया है, एक शिफ्ट में ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड रिलेशन से। कहा गया है कि एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा नानी के इकलौते पुत्र हैं, तो उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है बताना है उस महिला से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, एक महिला बना लेते हैं, यहाँ पर महिला हो गई है, और एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, यानी कि ये व्यक्ति हो गए जिनका वो परिचय करा रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। वो बोल रही है उनके भाई, यानी कि इनके भाई, इस व्यक्ति के ये जो व्यक्ति हैं इनके भाई हो गए, यहाँ पर ये भाई लिख देते हैं हम, यहाँ भाई हो गए, के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं, यानी इसके जो पिता हो गए इस लड़की के और इसके भी, तो इसके जो दादा नाना होंगे वो इससे ऊपर आएंगे, यानी कि यहाँ पर देखिएगा इसको, यहाँ ऊपर आएंगे बिल्कुल ऊपर, यानी कि ये इसके दादा या नाना में से कोई भी हो सकता है, और इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये दोनों भाई हैं, तो ये भी इनकी बहन हो सकती है, बिल्कुल बहन होगी। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर में, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा टफ हो जाता है और आपके चीज़ें समझ में भी नहीं आती होंगी। जब हम लाइव आएंगे तो सारे क्वेश्चनों को, जितने भी मैंने मैथमेटिक्स की 10 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं अभी, उनको दोबारा करेंगे लाइव, और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से उन सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपकी सभी बातें समझ में आ रही होंगी, और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक सांकेतिक भाषा में जब कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, इसकी कोडिंग की गई है ये वाली, तो इसकी कोडिंग किससे होगी, यानी कि जो भी शब्द हमको दिखाई दे रहा है इससे ये बना है,
उसी प्रकार से हमको यहाँ वाली कोडिंग से इन चारों में से एक बनाना है। चलिए देखिए, ए वन पे आता है, एन आता है 14 पे, यानी कि वन में 13 प्लस किया गया है, 13 प्लस किया गया है तब 14 बना है, यानी कि ओ में अगर 15 में हम 13 प्लस करेंगे तो बनेगा कितना, बनेगा देखते हैं, 8 2 28 यानी कि 26 तक अंक होते हैं जेड, और 26 से दो ज़्यादा हैं यानी कि बी। पहला जो हमें शब्द प्राप्त होगा यानी कि वर्ड प्राप्त होगा वो बी होना चाहिए, बिल्कुल बी होगा वो, यानी कि ए और बी तो कट ही जाएंगे और सी या डी में से एक हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखने की देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, के भी अलग है और आर भी अलग है। लास्ट वाला शब्द पकड़ेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे फटाक से। देखिए जी टी आता है 20 पर और जी आता है 7 पर, यानी कि इसमें कितना लेस, इसमें भी 13 प्लस हुआ है। अगर ई में हम 5 में 13 प्लस करेंगे तो देखिए कितना बनता है, बिल्कुल 18 बनता है। 18 पे आप सभी को पता है कि आर 18 की प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट रहता है आर 18 पर, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे बखूबी। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इसमें कहा गया है जी ई एम की कोडिंग की गई है इससे, तो के आई डी की कोडिंग किससे की जाएगी। दोस्तों बहुत इजी है कॉन्सेप्ट सारे, देखिए जी आता है 7 पर, एन आता है 14 पर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका दुगना कर दिया है, यानी के को देखें हम तो के आता है 11 पर, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि दुगना करेंगे तो हो जाता है 22। 22 पे आपको अच्छे से पता है वी आता है और वी ऑप्शन नंबर ए में है, तो बी इस क्वेश्चन का यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे बहुत ही बखूबी। देखिए रीजनिंग में पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली हम पहले सबसे भी कोडिंग डिकोडिंग निकाल सकते हैं, ये टाइम बचाने के सबसे बेहतर तरीका होते हैं। जो स्टूडेंट्स ऐसे मेथड से करते हैं वो स्टूडेंट्स अच्छे से स्कोर कर पाते हैं रीजनिंग में। चलिए बताइए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन बना था, ये भी 2016 में एनटीपीसी में बना हुआ क्वेश्चन है। फुट को अगर इंच कहा जाता है तो मीटर को क्या कहा जाएगा, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, यानी फुट यानी बड़ी इकाई है, इंच उससे छोटी है तो मीटर से सब मीटर से भी छोटी आएगी। किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर मत कर देना, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, तो सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ब्लड रिलेशन से है दोस्तों, ये भी बहुत ही ईजी है, ब्लड रिलेशन करने में बहुत मज़ा आता है, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स गलत करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखिएगा अगर आपको रिश्ते बनाने आते हैं तो आसानी से कर लोगे, अगर आपको रिश्ते बनाने नहीं आते हैं तो पहले अपने घर में सीख लीजिए रिश्ते बनाने, क्योंकि अगर वो आएंगे अपने ऊपर आप रिश्ता बना के चलोगे तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आराम से क्रैक कर लोगे सारे। देखिए इसमें कहा गया है एक महिला का परिचय कराते हुए, एक महिला है एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, व्यक्ति हो गई ये और ये हो गई महिला, ठीक है। मैंने दोनों बना दिए हैं, महिला को माइनस से और व्यक्ति को प्लस से, अगर आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए ये चिन्ह दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, उसकी पुत्री यानी कि जो इसकी पुत्री है मेरे पिता की इकलौती पोती है, यानी कि इनके पिता की इकलौती पोती होगी, यानी इनकी जो पुत्री होगी, यहाँ पे इस महिला ने कहा है कि जो उस व्यक्ति की पुत्री है मेरे पिता की यानी इसके पिता हो गई है इकलौती पोती है, तो वह व्यक्ति किस प्रकार उस महिला से संबंधित है, यानी जाहिर सी बात है वो दोनों पति पत्नी हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वाली जनरेशन नीचे है, इससे ऊपर ये है और सबसे ऊपर उसके पिता की जनरेशन आ गई है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें कहा गया है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यानी एच ए पी पी की कोडिंग की गई है 66 से और इसकी कोडिंग की गई है श्राव की 108 से, तो लाफ की कोडिंग यानी कि इसकी कोडिंग क्या होगी। देखिएगा आप समझिएगा इसको, इसमें क्या किया है उन लोगों ने जो भी ये डिजिट दी हैं, यानी एच 8 पे आता है, ए 1 पे आता है, पी 16 पे आता है, पी 16 पे आता है, वाई 25 पे आता है। अगर इन सभी डिजिट्स को आप प्लस करोगे तो मिल जाएगा आपको 66। वैसे ही करना है हमने इसमें, देखिए 12 पे एल आता है, ए 1 पे आता है, यू 21 पर आता है, जी 7 पे आता है और ई 8 पे आता है।
जब इन सभी को आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 49, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मेरी बात के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद शायद एक लास्ट क्वेश्चन और है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, और बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आई होप आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। चलिए कुछ डॉक्टर बना लेते हैं हम यहाँ पर और कुछ कारीगर, यानी कि डॉक्टर डिस डॉक्टर ये हो गए और कारीगर ये हो गए, ठीक है, कारीगर ये हो गए, कुछ बना दिया है मैंने। देखिए डायग्राम बनाना सीख गए तो आप कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पाओगे। और सभी कारीगर लंबे हैं, जितने भी कारीगर हैं ये लंबे हैं, यानी यहाँ से हम लंबे का गोला बना देंगे, सभी को इसमें कारीगर ले लेंगे और ये लंबे हैं। चलिए लंबे हो गए। अब निष्कर्ष में क्या गया कहा गया है, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी डॉक्टर छोटे हैं, यानी सभी डॉक्टर छोटे हैं, छोटे वर्ड का यूज़ कथन में नहीं किया गया है तो पहला कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे। दूसरे कथन में कहा गया है कि कुछ कारीगर पुरुष हैं, कुछ कारीगर पुरुष हैं, पुरुष शब्द का भी वर्ड, पुरुष शब्द जो आया है निष्कर्ष में, ये कथन में नहीं कहा गया है, कहीं भी इस पुरुष शब्द का जिक्र नहीं हुआ है तो कोई भी निष्कर्ष कंसीडर नहीं करेगा। आइए देखते हैं इसमें कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसमें लिखा है कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है। चलिए ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें कहा गया है कि ये वाली जो डिजिट है ये नंबर सीरीज का है, इसमें कहा कुछ नहीं गया है, अगली संख्या बतानी है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व भी किए होंगे। कितना स्कोर रहा आपका इस सीरीज़ में, 18 क्वेश्चन थे और एक आपके लिए होमवर्क था, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सुबह के लिए जीके के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।